हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये, टॉप ऑफ द लाइन फेयरलेस प्लस एस, 12,99,990 एक्सरूम प्राइस आ जाता है इसके हरियाणा गुड़गावा के अंदर। डुअल टोन देख रहे हो आप, इसकी रूफ ब्लैक है और बॉडी कलर पर्पल देखने के लिए मिलेगा, इंटीरियर में भी पर्पल थीम मिलेगा। फेसलिफ्ट के नाम पे टाटा ने अपडेशन दी है, अगर किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बोल सकते हैं कि हाँ भाई फेसलिफ्ट वेरिएंट है, तो ये फेसलिफ्ट वेरिएंट आया, इतनी अपडेशन है इसके अंदर, आप देख के हैरान हो जाओगे। बाकी बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन सेम रहने वाले हैं। और बात करें इसमें इंजन की, तो इसमें दो इंजन मिलेंगे हमें, 1.2 लीटर पेट्रोल मिलेगा नेचुरल एस्पिरेटेड, और एक आपको डीजल मिल जाएगा 1.5 लीटर में। वहीं दो इंजन के साथ हमें तीन ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT और DCT। मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT 6 गियर के साथ मिलेगा, DCT आपको 7 गियर के साथ देखने के लिए मिलेगा। वहीं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में फीचर्स की बात कर लेता हूँ, अपडेशन के साथ 2023 में फीचर क्या क्या ऑफर कर रही है। बाकी तो पूरी ही गाड़ी अपग्रेड हो चुकी है, चेंजेस हो चुके हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट विंडशील्ड पे, पहले बता दूं ऊपर आपको रूफ रेस मिल जाएंगे, सनरूफ मिल जाता है, यहाँ रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं विद टू वॉशर, ठीक है, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा, ये ग्रिल पूरी बंदसी कर दिया इन्होंने, रेडियर ग्रिल, लोअर में आपको ग्रिल मिल जाएगी, यहाँ टाटा का लोगो, ये आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलेगी। दो पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं फ्रंट में, यहाँ आपका फ्रंट पार्किंग कैमरा जो कि 360 डिग्री व्यू के लिए भी काम करेगा, और बम्पर में नीचे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिलेगा, बाकी ब्लैक ट्रीटमेंट का भी है लोअर बम्पर में। वहीं हेडलैम्प यूनिट की बात करें, हेडलैम्प कह लो या जितना भी इसमें लाइट यूनिट है, रियर टेल लैंप है, इंटीरियर है या हेडलैम्प है, सारी हमें LED बेस मिलेगी। यहाँ प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए, ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिल जाएगा, ये आपके DRLs यही आपका इंडिकेटर में वर्क करेंगे। नीचे 2 ICQs में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, ये भी आपको LED बेस मिलेंगे। यहाँ पे एयर पास होने के लिए जगह दी हुई है इस जगह पे स्पीड वगैरह में, ताकि गाड़ी पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए ये जगह दी जाती है, देसी भाषा में आपको बताऊँ तो। बाकी यहाँ से गाड़ी का पूरा फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं कि कैसी गाड़ी लग रही है फ्रंट से देखने में। और जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, फेंडर पे क्लैडिंग मिल जाएगी आपको, क्लैडिंग का पार्ट सराउंडिंग देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के, ये वाला पार्ट बम्पर के नीचे से लेकर उस साइड भी फेंडर पर, इस साइड भी बिल्कुल प्लेन फेंडर मिलेगा। कुछ इस तरह के अलॉयज मिलेंगे इसमें हमें, ये पार्ट मेटल का मिलेगा और ये प्लास्टिक दी हुई है ये वाली, ठीक है, अलॉय व्हील्स हैं, टाटा का लोगो है। यहाँ पे 215/60/16 का टायर साइज मिल जाएगा आपको। ऊपर आएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBM मिल जाएंगे विद इंडिकेटर, यहाँ कैमरा मिल जाएगा 360 डिग्री व्यू के लिए। ए पिलर ब्लैक है, बी और सी सारे ही आपको ब्लैक मिलेंगे, यहाँ भी ग्लोसी ब्लैक में आपको पूरा ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। डोर पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। नीचे डोर्स पे क्लैडिंग का भी थोड़ा पार्ट देखने के लिए मिलेगा बॉडी कलर के साथ, और रनिंग बोर्ड भी मैट ब्लैक में इसका देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने जैक के लिए साइन दिया हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे आपका 50 लाख कार वाला लोगो, 50 लाख कार सेल हो चुकी है अब तक उसका लोगो। रूफ रेल सिल्वर, नीचे ब्लैक मिल जाएगा, यहाँ सनरूफ, शार्क फिन एंटीना मिल जाता, ये पूरा ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, ये ग्लोसी ब्लैक है क्योंकि ये डुअल टोन में आप देख रहे हो, पर ये भी पार्ट यहाँ तक मिलेगा, ये थोड़ा मैट में मिलेगा, बाकी क्वार्टर पैनल प्लेन है। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, तो यहाँ से गाड़ी का आप रियर लुक देख सकते हैं, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे हमें LED बेस, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं कनेक्टेड टेल लैंप्स। नीचे फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, यहाँ बीच में इस जगह पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे टाटा का लोगो, नेक्सॉन की बैजिंग, टोटल 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे पॉइंट किए हुए हैं, और बम्पर पर ना यहाँ भी आपको बॉडी कलर का पार्ट देखने के लिए मिलेगा। वहीं जैसे मैं दिखा चुका टाटा का लोगो, यहाँ रिवर्स कैमरा आपका 360 डिग्री व्यू के लिए भी काम करेगा, और ये कनेक्टेड टेल लैंप्स है जो कि पूरा बूट गेट पे आपका कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रियर डिफॉगर, यहाँ पर आपका जो एयर फिशर है चेंज हो चुका है, प्रॉपर तरीके से दिखेगा आपको टाइगर बना हुआ, और जो रियर वाइपर है वो यहाँ पे छुपा दिया स्पॉइलर के नीचे, वॉशर और रियर वाइपर आपको यहाँ मिलेगा। इससे पहले आपने किस गाड़ी में देखा था बताओ, अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यहाँ पे हमें वाइपर किस गाड़ी में देखा था, ठीक है। बाकी इस तरह से कुछ रियर लुक है, बम्पर में भी कुछ ब्लैक पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपका फ्यूल टैंक। तो भाई ये तो हो चुका आपका न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 का पूरा एक्सटीरियर, अब चलते इंटीरियर में, पहले की दिखा दूं
की में कोई चेंजेस नहीं करें, वो ही आपको टिपिकल की देखने के लिए मिलेगी टाटा की, जो स्मार्ट की मिलती है। बाकी ये की भी अच्छी लगती है, लॉक ये प्रेस करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, बूट गेट अनलॉक करने के लिए, ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये दो कुछ इस तरह की मिल जाती है। डोर हैंडल्स जैसे मैं दिखाया, बॉडी कलर है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा ड्राइवर साइड आपको, और ये जो पार्ट ये भी पूरा मैं देखा चुका हूँ, ब्लैक ही मिलता है अपर पार्ट इसका। अब जैसे ही डोर ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ जो बॉडी कलर है और उसी से मिलता जुलता इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, डुअल टोन में, ब्लैक और पर्पल कलर में। जैसे देख लो पूरा ही इंटीरियर हमें पर्पल कलर में देखने के लिए मिल रहा है। अब स्टार्ट करेंगे हम ड्राइवर डोर पैनल से, तो यहाँ ORVM कंट्रोल यूनिट दी हुई है इस जगह पे। यहाँ पे आपका डोर ओपनर, लॉक अनलॉक ओपनर क्रोम में दिया हुआ है गार्निश के अंदर। यहाँ आपका वन टच अप विंडो, वन टच डाउन, चारों पार विंडो है, ड्राइवर वन टच अप वन टच डाउन मिलेगा, चाइल्ड लॉक, डोर एक्सेस हैंडल, ड्राइवर टी में हमारा सॉफ्ट टच में मिलेगा, बट कलर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, जैसे पर्पल कलर इन्होंने दिया। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ स्पीकर, यहाँ पे आपको अम्ब्रेला रखने की भी जगह दी हुई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, भाई वेंटिलेटेड सीट्स हैं, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है फेयरलेस प्लस एस, तो यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स हैं, दोनों फ्रंट सीट वेंटिलेटेड मिलेंगी। पर्पल ही लेदरेट सीट्स दी हुई है और डुअल टोन में ब्लैक और पर्पल का ट्रीटमेंट मिलेगा। कॉर्निंग एयरबैग है, ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो यहाँ क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, थोड़ा स्पेस यहाँ मिलेगा ऊपर, ये भी पर्पल देखने के लिए मिलेगा आपको। जो डैशबोर्ड है यहाँ भी पर्पल ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये एसी के सराउंडिंग कुछ कुछ आपको अलग से रग्ड फील जैसे ट्रीटमेंट देखने के मिलेगा, जो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ एसी वेंट ऊपर ग्लोसी सिल्वर दिया हुआ है, चाबी वगैरह की जगह नहीं दी हुई क्योंकि कीले से। इंटीरियर में स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, तो भाई स्टेयरिंग जो आपने कर्व में देखा था, जो इनकी कॉन्सेप्ट कार थी, वही वाला स्टेयरिंग मिलेगा, फ्लैट बॉटम, काफी प्यारा लग रहा है स्टेयरिंग देखने में। बट सबसे पहले हम स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको दी हुई है इस जगह पे, यहाँ पे स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी। स्टेयरिंग टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक नहीं दिया हुआ। वहीं स्टेयरिंग की बात करें तो जो पूरा ही चेंज हो चुका है, स्टेयरिंग टू स्पोक में लेदर रैप स्टेयरिंग है, पूरा फ्लैट बॉटम मिलेगा, जो कर्व में दिया था इन्होंने कॉन्सेप्ट कार में, काफी प्यारा स्टेयरिंग है, रैप काफी प्यारा दिया हुआ है, टू स्पोक स्टेयरिंग मिलेगा। और यहाँ पे इल्यूमिनेटेड आपको लोगो मिलेगा टाटा का, जैसे इसे ऑन करेंगे तो ये देखो इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा टाटा का। बट टू स्पोक में लग कितना प्यारा रहा है स्टेयरिंग, आप ये चीज देखो, ये पोर्शन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, भाई फेस लिफ्ट का मतलब टाटा ने दिखाया मार्केट में। और इल्यूमिनेटेड में ये चीज और है, जो आपके यहाँ पे ये लाइट्स है ना, जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड वगैरह के, ब्लूटूथ वगैरह के जो भी कंट्रोल्स है, अगर यहाँ बंद कर देते हैं लाइट तो वो दिखने बंद हो जाएंगे। वहीं लाइट ऑन करेंगे तो राइट स्पोक पर आपके क्रूज कंट्रोल यूनिट है पूरी, और लेफ्ट में म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल यूनिट है। पूरा ही पोर्शन इन्होंने इल्यूमिनेटेड दिया हुआ है, जिसमें टाटा का लोगो भी है और ये कंट्रोल्स भी है, क्रूज कंट्रोल भी, और यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स भी। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल यूनिट है, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा इसमें, पूरा ही डिजिटल दे दिया है, क्योंकि भाई चेंज तो टाटा ने ही करा। एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर लेते हैं हम, तो ये देखो पर्पल में ही जो बॉडी कलर है उसी तरह का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये आपके स्पीड मीटर आ गया, यहाँ पे आपके RPMs आ गए, ये स्पीड मीटर है राइट में, और लेफ्ट में RPM है। इसमें 360 रिव्यू कैमरा भी वगैरह मिल जाता है, बाकी बीच में यहाँ पे एक छोटी सी MID भी दी हुई है। MID में क्या क्या फीचर मिल जाते हैं वो दिखा देते हैं एक बार आपको। MID में इसमें आपको डोर ओपन की नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ पे रिफ्यूल की नोटिफिकेशन आ रही है फिलहाल देखने के लिए, और व्यू पे प्रेस करेंगे तो ये एक्चुअली स्टार्ट मांग रहा, पहले गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये फीचर वगैरह दिखाने स्टार्ट करेगा। बाकी यहाँ पे RPM है, इंडिकेटर देके देख लेते हैं बार, इंडिकेटर से नहीं, वो फीचर नहीं है कि आपको व्यू दिखे उसका, वो 360 डिग्री व्यू के लिए जो चार कैमरे दिए हुए वो वहीं पे आपका दिखेगा। बाकी सीट बेल्ट्स की जो पीछे भी सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, इसकी जो तीनों सीट पीछे दी हुई है वहां भी सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं, 5 पॉइंट बने आ रहे हैं कि अगर पीछे पैसेंजर ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पे भी गाड़ी पी 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 टू 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 करती रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिटी मोड पे ये है फिलहाल, यहाँ सिटी इको स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, इको पे लगा दिया, एनिमेशन चेंज नहीं हुए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, स्पोर्ट्स पे लगा दिया, वहां भी कोई एनिमेशन चेंज नहीं हुए इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बाकी वे पर्पल ही देख रहे हैं, पूरी डिजिटल स्क्रीन दी हुई है जिसमें आपका RPM और किलोमीटर्स वगैरह देख रहे हैं, सिटी नीचे रिफ्यूल वगैरह का, यहाँ पे फ्यूल गेज दिया हुआ राइट में, इंजन टेम्परेचर गेज,
इग्निशन ऑन है तो उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है वो भी दिखा रहा है जीपीएस के लिए, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का जैसे बना रहा है। यहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर का वेदर टेम्परेचर भी ये दिखा रहा है। यहाँ कुछ इस तरह से बोनट व्यू वगैरह देख सकते हैं आप यहाँ से। अच्छा मैं उससे पहले बताना भूल गया, जाते हैं यहाँ पे एयरबैग दिया हुआ, एयरबैग इसमें हमें टोटल 6 देखने के लिए मिलेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर ए पिलर्स में दोनों तरफ एयरबैग मिल जाएंगे और कॉर्निंग एयरबैग्स आपको मिलेंगे। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है। बोनट व्यू भी देख सकते हो आप, हाइट एडजस्ट करोगे तो और अच्छा बोनट व्यू दिखने लग जाएगा। ट्विटर ए पिलर्स पे मिल जाते हैं, एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ से डैशबोर्ड देखते हो काफी स्पेस मिल जाता है डैशबोर्ड पे भी हमें। यहाँ एक पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है, इन्फोटेन सिस्टम जो म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसमें 360 डिग्री भी काम करेगा, आप 2D पे भी देख सकते हो, 3D पे भी देख सकते हो। इसमें 360 डिग्री व्यू कैमरे मिलते हैं तो यहाँ जो ORBM के नीचे कैमरे हैं उनका भी व्यू आप देख सकते हो। और ये सेंसर्स आपके बोल रहे हैं, ये जो पीछे का व्यू दिखा रहे हैं 360 डिग्री के लिए, रियर व्यू दिखा रहे हैं दोनों तरफ का, ठीक है। 2D 3D में इसमें आप अपना देख सकते हो। इसमें हमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, ये दोनों चीजें वायरलेस मिल जाएंगी, USB के प्लेयर, अच्छा USB के थ्रू कनेक्ट होगी ये वायरलेस निधि। इसमें Amazon Alexa मिल जाता है, ईरा मिल जाता है, एयर के लिए एक्वाई वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छे फीचर इसमें मिल जाते हैं। सराउंडिंग व्यू के लिए आप यहां से भी देख सकते हो, म्यूजिक सिस्टम पे भी जाने के बाद टाटा असिस्ट का फीचर मिल जाता है, शेयर लोकेशन वगैरह GPS वगैरह आप इस पे चला सकते हो, सारे फीचर आपको काम के। इसमें ना एक फीचर और मिल गया आपका, जैसे कि हमें YouTube वगैरह भी आप इस पे चला सकते हो, बट खड़ी गाड़ी पे आपका YouTube वर्क करेगा। वो ये नहीं है कि आपने ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग के टाइम पे आप YouTube देखने की कोशिश करोगे उस टाइम पे YouTube आपका काम नहीं करेगा। वीडियोस वगैरह Amazon Prime वगैरह Netflix वगैरह सारी वीडियोस इस पे आप देख। थोड़ा यहाँ ग्लोसी ग्रेप ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, बीडिंग टाइप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने में थोड़ा ये रग्ड फील सा मिलेगा जो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ 2 AC वेंट, स्टार्ट स्टॉप बटन इंजन का यहाँ पे मिलेगा आपको इस जगह पे लेफ्ट में। ये जो बॉडी कलर है वही सेम थीम रखी गई है इंटीरियर की भी, काफी प्यारा लग रहा है देखने में पर्पल कलर में जो ट्रीटमेंट है। और जो आपका AC वगैरह है ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये पूरे आपको टच में दे दिए हैं यहाँ पे। हालांकि जो ब्लोअर की स्पीड वगैरह है आपकी वो सारी टच बटन मिलेंगे आपको अप डाउन करने के लिए, ब्लोअर की स्पीड के लिए, ये आपका टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए, वो यहाँ भी आप टेम्परेचर देख सकते हैं। ये 360 डिग्री व्यू के लिए यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, लॉक अनलॉक के लिए भी यहाँ मिल जाएगा फीचर और काफी स्मूथ है। ये बूट गेट खोलने के लिए 1000 लाइट भी टच में दे दिया, टच फीचर्स ज्यादा दे दिए। ये आपका फॉग लैंप वगैरह के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, मैं ये बंद कर देता हूँ एक बार। ये बटन है आपका टेम्परेचर के लिए, ये आपका ऑटो पे AC ऑफ करने के लिए, AC वेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम रियर फ्रंट और रियर डिफॉगर के लिए, यहाँ सर आपके जो AC के कंट्रोल्स है वो दिए हुए हैं। ये AC चलाने के लिए विंडोज ओपन हो जाएगी, ज्यादा गर्मी आपकी तो उस दौरान आप इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये फीचर काफी अट्रैक्टिव मिल जाता है इस जगह पे, ठीक है। नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है, एक USB एक टाइप सी मिल जाएगा, 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा मैनुअल में देखने के लिए। जैसा मैंने बताया टोटल इसमें 3 ट्रांसमिशन मिलेंगे हमें, मैनुअल AMT और DCT। मैनुअल में और AMT में आपको 6 गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी टॉप वेरिएंट के अकॉर्डिंग गियर लीवर थोड़ा इसका मुझे पसंद नहीं आया, बाकी आप लोग बताना आपको कैसा लगा। यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। वायरलेस चार्जर दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपको आर्मरेस्ट में, आर्मरेस्ट भी सेम वही है बट मूवेबल नहीं है, स्लाइड वगैरह नहीं होगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स दिए हुए हैं, यहाँ ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा। टाटा की सारी गाड़ियों में हमें काफी स्पेशियस ग्लोब बॉक्स मिलता है और कूल्ड भी है और लाइट के साथ भी मिलेगा। यहाँ पे एयर फिशर दिया हुआ, टाइगर बनाया हुआ, कप होल्डर्स मिल जाते हैं 2 कैप के अंदर ही। यहाँ पे आप अपना लाइसेंस वगैरह कैरी कर सकते हैं इजिली और ऊपर भी आपको स्पेस दिया हुआ। बाकी इंटीरियर देखोगे ना बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे इसका इंटीरियर थीम है बॉडी कलर के हिसाब से दिया गया, मेरे ख्याल से जितने भी कलर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीरियर थीम बेस रखा जाएगा। यहाँ ऑटो डिमिंग IRBM दे दिए भाई। फेसलिफ्ट जो रियल अपडेशन है वो टाटा ने करी है अपनी गाड़ियों में, यहाँ आपका IRBM दिए हुए हैं, ऑटो डिमिंग यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाएगी आपको, रीडिंग लाइट्स भी व्हाइट मिलेंगी। यहाँ SOS के लिए बटन्स दिए हुए, कंट्रोल्स दिए हुए। यहाँ आपका सनरूफ खोलने के लिए, यहाँ से आपका सिंगल टच पे सनरूफ ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो मिलता था नेक्स्ट वन में सनरूफ साइज वही है, सनरूफ में कोई चेंज नहीं करना है,
इन्होंने, और यहाँ से आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ एयरबैग वगैरह की नोटिफिकेशंस दी हुई है, इस जगह पे जहाँ लाइट चल रही है यहाँ माइक दिया होगा शायद, जब आप फोन स्ट्रीमिंग करते हैं ब्लूटूथ की तरफ फोन या ऑडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे माइक वगैरह दिया हुआ है। इस साइड वेंटी मिरर मिल जाएगा आपको सनवाइजर में, इस साइड खाली टिकट होल्डर दिया हुआ है, बाकी ऑल ओवर पूरा ड्राइवर फ्रंट आप देख सकते हैं। अब आ चुके हैं पैसेंजर सीट्स पे, तो पैसेंजर सीट पे पहले बता दूं, जैसा टाटा कंपलसरी कर चुका अपनी सारी गाड़ीज पे ये सेलिब्रेटिंग लोगो देखने के लिए मिलेगा, 50 लाख कार वाला, 25 ईयर वाला। डोर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ इंटीरियर थीम तो मैं पूरा दिखा चुका आपको, ब्लैक और पर्पल कलर जो बॉडी कलर है वही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ डोर ओपनर गार्निश में, लॉक अनलॉक, यहाँ छोटा सा ट्विटर टाइप दे देते हैं, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ, यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस ही है सिर्फ, बाकी जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये हार्ड टच में मिलेगा, ये आपका ग्लास अप डाउन करने के लिए। बटन लाइट वगैरह तो इसके अंदर नहीं दी हुई, यहाँ चाइल्ड लॉक का बटन दिया हुआ है। पीछे आएंगे, यहाँ पे आपको 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, डुअल टोन में सीट्स हैं, पर्पल सीट्स मिलेंगी आपको देखने, पर्पल और ब्लैक, बीच में आर्मरेस्ट है विद टू कप होल्डर, यहाँ एसी वेंट है टाइप सी और एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, रीडिंग लाइट सिर्फ आगे ही मिलेगी, रीडिंग लाइट पीछे इन्होंने कोई नहीं दी हुई। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे, अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक बटन इस जगह पे दिया हुआ, क्लैडिंग का पार्ट आ गया ना जो दिखाता मैंने आपको, 382 यहाँ आपको 382 लीटर का 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, पार्सल ट्रे मिल जाती है, यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील मिलेगा, स्पेयर व्हील स्टील रिम है, और टूल्स मिल जाएंगे इस जगह पे, बाकी बूट स्पेस आप देख सकते हो, लाइट भी दी हुई है इस जगह पे। और ये क्या दिया हुआ भाई, अच्छा एक यहाँ पे 12 बोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है, और 3-3 किलो वेट आप यहाँ हैंग कर सकते हो, टोटल 3 और 3 6 12 किलो वेट यहाँ पे हैंग कर सकते हो। अच्छा जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करेंगे आपको ऊपर इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती है, 118 BHP की पावर जनरेट करता है आपका 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, और 170 NM तक का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी इंजन डिटेल्स जो कुछ भी रहने वाली है पूरी डिस्प्ले पे देख रहे हो आप, पावर मैं बता चुका और जो टॉर्क है वो भी बता चुका, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल भी मिल जाएगा, ट्रांसमिशन 3 मिलेंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन, AMT और DCT। तो भाई ये था आपका टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट फेयरलेस प्लस एस का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस, डुअल टोन में आपने देखा, मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.2 लीटर पेट्रोल वाला इंजन। अब गाड़ी कैसी लगी कमेंट बताना, आपका क्या ओपिनियन है लेके फेसलिफ्ट नेक्सॉन 2023 को, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।